नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं वंदना शर्मा। लॉकडाउन के बीच सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है और इस अहम फैसले के चलते लोगों को अब बैंकों और एटीएम की लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं सरकार के इस अहम फैसले के बारे में। लॉकडाउन के बीच बैंकिंग सिस्टम पर बोझ कम करने के लिए दुकानदारों को नकदी प्रदान करने की अनुमति दी गई है। यदि पड़ोस के व्यापारी नकद प्रदान करते हैं तो लोगों को बैंक या एटीएम से पैसे निकालने के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की स्वीकृति के लिए उधारदाताओं द्वारा जिन दुकानों को चालू किया गया है वो सभी बैंकों के ग्राहकों को यूपीआई का उपयोग करके नकदी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जबकि आरबीआई से इस सुविधा को प्रदान करने के लिए पहले किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये प्रदान किया जा सकता है जब बैंक की ओर से व्यापारियों को अनुमति दे दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचा सके। आपको बता दें कि ये कैश एट POS सेवा यानी कैश ऑन कार्ड स्वाइप की तरह है, जिसे RBI ने बैंकों को बिना पहले अनुमति के दुकानों के माध्यम से पेश करने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि कैश एट POS के समान UPI विड्रॉ अधिकतम 2,000 रुपए प्रति ग्राहक तक सीमित है। RBI ने एक बयान में कहा कि नामित व्यापारियों को प्रतिष्ठानों को सुविधा की उपलब्धता के साथ साथ ग्राहक की ओर से दिया गया यदि कोई शुल्क हो तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। आपको बता दें कि दुकानदार अधिकतर 1% शुल्क ले सकते हैं। आपको बता दें कि व्यापारी को अपने खाते में नकदी जमा करवाने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो राशि चुकाता है वो कार्ड धारक के खाते से खुद के लिए ट्रांसफर की जाएगी। ये सुविधा बैंकों को जनधन खातों में सरकार के स्थानांतरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं और एटीएम पर बढ़ते दबाव को कम करने का एक विकल्प प्रदान करती है। बैंक दुकानों को 1% शुल्क इंसेंटिव के माध्यम से निकासी की सुविधा प्रदान करने में सक्षम कर सकते हैं। फिलहाल सरकार ने रुपए और UPI पर सभी व्यापारी शुल्क माफ कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि इन उपकरणों के माध्यम से व्यापारी को पैसे लेने के लिए किसी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ लोग कैसे उठाते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस खबर पर अपने विचार जरूर लिख भेजिए और हम मिलेंगे आपको एक नई खबर के साथ।